भाई कैसे हो सारे? उम्मीद से एकदम बढ़िया होंगे, ठीक है? तो सही चल रहा होगा तुम्हारा लॉकडाउन, घर पे बैठ के मतलब कर रहे होगे मौज, सो रहे होगे तुम बराबर। हाँ यार, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तीन मतलब मस्त सी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप फोटोज खींच सकते हैं। इतना काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा काम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा काम है तो कर ही लो यार। सोने से अच्छा तुम ये कर लो, मतलब लाइक्स आ जाएंगे इंस्टाग्राम पर, अच्छी लोग पूछेंगे भाई कैसे लिए, ठीक है? पर लेकिन जो तुमने लास्ट वीडियो में जो मस्त से डेर दिया, अगर तुम्हें नहीं लाइट चली गई, लाइट चली गई, हाँ तो भाई जो लास्ट वीडियो में अपना मतलब थोड़ा गेम चेंज हुआ था, वहाँ पे थोड़ी टुकाई हुई थी, मतलब मस्त एकदम तुमने मजे लिए होंगे, शेयर तो शायद थोड़ी ज़्यादा तुमने वो वीडियो, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मस्त सी अपनी मतलब हुई अपनी, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यार वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कि मैं फीचरिंग खेल रहा हूँ, फीचरिंग चलता है अपना, तो मैं उन लोगों को फीचर करता हूँ जो मेरी वीडियो सबसे पहले 3 कमेंट्स आते हैं, मैं उनको फीचर करता हूँ अपनी वीडियो में और अपने इंस्टाग्राम पे। तो आप अगर आपको फीचर होना है तो आप आओ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे फीचर करते हैं। और अगर आपने सुन लिया तो किस चीज़ का वेट करो यार, कमेंट करो, लेट मत करो यार, बाद में नहीं होगा फीचर फिर, ठीक है? तो पहला कमेंट आता है विकास पटेल का। विकास पटेल कहते हैं एक्साइटेड एंड नाइस वीडियो, 10 seconds आज तो टूटी है भाई, मस्त टूटी थी यार, नहीं देखा है तुमने, देखो तुम उसको, मतलब मस्त टूटी है। और सेकंड कमेंट आता है अभिजीत यादव का, बंदा कह रहा है हा, सही है, शुक्रिया भाई, सही लगा तुमको, मतलब यहाँ पे ठुकाई हो रही है तुमको तो मज़ा आएगा ही, उठाओ मज़े। और तीसरा कमेंट आता है साइलेंट आइस, मज़ा आ गया भाई, लव्ड इट ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। और यार मैं आपको बता दूँ कि यार ये बंदे का मैं चैनल देखा हूँ, मतलब अच्छी वीडियोज़ बनाता है ये बंदा, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखो, मतलब सही काम कर रहे हैं बंदा, और अभी भी नया, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है इसके, लेकिन स्टिल काम काफ़ी अच्छा है इसका। तो आप जाओ, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको बटन दे दूंगा, तो आप सीधा जाइए उधर देखिए, साइलेंट आइस करके नाम है, ठीक है? तो अभी हम इस वीडियो के अंदर बढ़ते हैं और 3 ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो पहली ट्रिक के अंदर हम चलते हैं, ठीक है? और पहली ट्रिक के अंदर आपको क्या चाहिए, मतलब एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए, कोई सा भी फ़ोन चाहिए भाई, कोई सा भी फ़ोन चाहिए, मतलब जिसमें फ्लैश लाइट हो। तो ये मेरे को आया है काम, इसमें फ्लैश लाइट थी और तो मतलब मैंने यूज़ कर लिया, मतलब लोगों को लगेगा ना कि हाँ ये बंदा इस फोन से कर रहा है, तो क्लिक करेंगे। और थोड़े बर्तन चाहिए, ये मतलब देखो एक जो मतलब आपके फ्रेम में सही है, मैं ये सब देख रहा हूँ और आवाज़ ही मस्त आती है सबसे, ठीक है भाई? तो मतलब मेरे को ऐसा फ़ोन चाहिए जहाँ पे फ्लैश लाइट हो और कुछ ऐसे बर्तन, मतलब जहाँ पे ना ऐसे छेद हो, ऐसे देखो, मतलब ऐसे ही यार समझो, मतलब ठीक है बस बढ़िया। हाँ तो चलो यार, अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। चलो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ आपको अपने घर की सारी लाइट ऑफ कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन का, मैं तो ये फ़ोन लिया हूँ, अपने फ़ोन का 010 ये टॉर्च ऑन हुआ ना, तो मतलब ऐसे जो टॉर्च आपको रखना है, हाँ तो ये देखो भाई, मतलब ऐसे कर देना है, देखो बराबर देखो, मतलब ऐसे, ये मतलब ऐसे जो पूरे इसमें डॉट्स है ना, जो सारे छेद हैं उसकी तरफ से, मतलब ऐसे वहाँ से लाइट आएगी आपके फेस पे, अगर आपकी मर्ज़ी आप किस तरह देखेंगे, आप वो पोज तो आपके ऊपर ही, आपको कैसा पोज देना है, ठीक है? तो ये वाला हो गया मतलब अपना पहला समझ लो। अब मैं बढ़ता हूँ मतलब अपना दूसरे, ये हो गया ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ है दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ को मतलब अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, देखो। तो ये हो गया दूसरा वाला। और ये याद रखना कि जो आप फोटोज़ ले रहे हैं वो आपका पोर्ट्रेट में होना चाहिए, मतलब खड़ा अपने फ़ोन को सीधा रख के फ़ोटो लेना, टेढ़ा करके रखोगे तो मतलब थोड़ा ना उसमें आप एडिट जब क्रॉप करते हो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप पोर्ट्रेट में ही लो, ठीक है? मतलब ऐसे जो भी आपके पास डिज़ाइन के हैं, मतलब वो आप होंगे आपके पास यार ऐसे ये सब, ठीक है? तो ये सब हो गया। और अब मेरी बात सुनो। हाँ तो भाई फ़ोटो खींच ली आपने, मतलब आप ये हो गया ये सब आप कर सकते हो, जिस जिसमें छेद है ना ऐसे छेद, आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले
अपने जो अगर आपका सिस्टम में, अगर आपके फ़ोन के सिस्टम में एक एडिटर है तो आप उसको खोलिए, देन आप फोटो को क्रॉप कर लीजिए। अगर आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी है, लेफ्ट हैंड अगर आपका दिख रहा है तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, और आपका जो हाथ है ना जब आप फोटो लेते हैं थोड़ा दूर होना चाहिए, ओके। तो आपको क्रॉप करने मतलब काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आपका फ़ोटो है उसको उसमें एक फ़िल्टर डालना है, फ़िल्टर डालने में तो आप काफ़ी माहिर होंगे यार, मुझे पता है, मुझे पता है फ़िल्टर डाल के तो फ़ोटोज़ चलती हैं। तो आपको सिंपली एक ब्लैक एंड वाइट कलर का एक फ़िल्टर डाल देना फ़ोटोज़ में, और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ आएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसी फ़ोटोज़ ली हैं, तो आप स्क्रीन पे ही देखिए। ये था मेरे सैम्पल्स, ठीक है, और मैंने ऐसे फ़ोटोज़ लिए। तो यार उम्मीद है आप भी मतलब इससे भी काफ़ी तगड़ी तगड़ी फ़ोटोज़ ले चुके होंगे, और अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा से लीजिए, मतलब बढ़िया से बढ़िया फ़ोटोज़ निकल के आएंगी। और अगर आप डालते हैं इंस्टाग्राम पे तो टैग करना मत भूलना मेरे को, @कुलदीप पंत। तो सेकेंड ट्रिप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसमें चाहिए दो फ़ोन, ठीक है, और तीसरा फ़ोन जिससे आप फोटो खींच रहे हो। ये मैंने ट्रिक पहले ही बना चुकी है, मैं इसमें थोड़ा समरी मतलब एकदम मतलब जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वो वाली वीडियो मतलब डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन पर दिखा दूँगा आपको, आप जाके क्लिक करिए वो देखिए, मतलब ज़्यादा से समझ में आएगा उसमें। तो आपको सिंपल एक ऐप डाउनलोड करना अपने दोनों फ़ोनों में, ऐप का नाम है स्क्रीन फ्लैश लाइट, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस है, देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट को तो आप कर ही लेंगे, और आपको कोई सा भी कलर सेलेक्ट करना है, और मैं एकदम लाइट ऑफ करता हूँ फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर चूज़ करना है, मैं इसमें रेड कलर चूज़ कर रहा हूँ, इसमें येलो कलर चूज़ कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा कुछ आ जाता है मेरे को। और इसमें अब आपको आपने देखा होगा ना कि ड्यूअल टोन फोटोग्राफी लोग करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ वो क्या करना है। आपके जो दोनों हाथ है ना उसको आप कैमरे से थोड़ा ऐसे रखिए, मतलब इवन लाइट आपके चेहरे पे आए, और आपका कैमरे के सामने ये नहीं आना चाहिए कि आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर अपने दोस्तों को पकड़ा दीजिए, वो आप कर सकते हैं। और इसको सिंपली आप ऐसे रखिए, आपकी मर्ज़ी आप कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको सामने ऐसे रखिए और फ़ोटो क्लिक करिए यार। और इसको भी पोर्ट्रेट मोड में लेना, मतलब क्रॉप करने में आसानी रहेगी, तो आप इसको भी पोर्ट्रेट मोड में लेना। देन ये एक हो गया, उसके बाद आप अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज करता हूँ ब्लू एंड येलो मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। और मेरे कुछ सैम्पल्स जो है मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, तो मेरे कुछ सैम्पल्स आए हैं ऐसे। इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो टैग करना मत भूलना मुझे, ये मस्त चीज़ है, टैग करना मत भूलना मेरे को, ठीक है, मतलब फोटो एकदम मस्त आएगी, आप डालिए। तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज के टाइम पे जो फ़ोन में कैमराज आ रहे हैं मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं, और उनमें एक और फीचर आपने देखा होगा प्रो करके, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप लाइट पेंटिंग्स कैसे कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ सैम्पल्स कि आप ऐसे कैसे बना सकते हैं, और मैं आपको लाइव शो करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कैमरे में जाना है और वहाँ से प्रो मोड सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही प्रो मोड खोलते हैं तो वहाँ पे आपको ISO करके दिखेगा, ISO को क्लिक करिए, ठीक है। और ISO में कैसे आप क्लिक करते हैं, उसके ऊपर आपको S करके होगा, ठीक है, वो शटर स्पीड का है। तो आप उसको जो भी आप कर रहे हैं ना अंधेरे में करना, ठीक है, और आप उसको 2 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स पे रख देना, आपकी मर्ज़ी है। और अपना एक दूसरा फ़ोन लेना, उस पर फ्लैश लाइट ऑन करना, ओके, ऐसे, और जो फ्लैश लाइट है ना उसके सामने आप अपनी उंगली रख देना, तो ये रेड कलर का कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपने जैसे कि वहाँ पे 4 सेकंड का रखा है, 2 सेकंड का रखा है, आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ भी इसे क्लिक करता है आपका जो दोस्त है जो कैमरे में फ़ोटो खींच रहा है, आपको जैसे वो क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ निकल के आएगा जो मैंने बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप वो। हाँ जी भाई, तो यही है, ऐसा कुछ निकल कर आएगा, और यही सब तीनों ट्रिक्स हैं, आप कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अलग सी चीज़ें हैं ये, तो मैं सोचा कि आपको मेरे को ये चीज़ आपसे शेयर करनी बनती है, तो मैं आपसे शेयर किया हूँ। मगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप शायद मेरे लिए एक लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करना मत भूलना यार, और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच यार, और शेयर करना तो भूलना ही मत। और अगर चेहरा मेरा पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई क्या कर रहे हो यार तुम, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मतलब अपने 722 शायद 722 सब्सक्राइबर्स हैं, बढ़ाओ उसको, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करते हैं, मतलब उसके बाद चलो यार थोड़ा सीन चेंज करो यार यहाँ पे भी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मतलब सही लगी होगी, और शायद आपको ये वीडियो में मतलब जो भी चीज़ मैंने दिखाई है आपको मज़ा आया होगा उन पर। तो फिर ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, मज़े करना, घर में ही रहना, ये सारी चीज़ें ट्राई करो, ठीक है। अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी।